मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव कमलनाथ के खिलाफ लाना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ ने जनता से किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है। इस पर टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अविश्वास तो गोविंद सिंह को कमलनाथ के खिलाफ लेकर आना चाहिए था, जिन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये कैसा अविश्वास प्रस्ताव है? अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास तो ये होता है मित्र, ये जारी किया था पत्र के 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया, अविश्वास इस पे आना था, नहीं आया। बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे 4000 रुपए, उस पे अविश्वास नहीं आया। बेटियों को 51000 रुपए देना था, उस पे अविश्वास नहीं आया। ये कैसा अविश्वास है? अविश्वास तो आदरणीय गोविंद सिंह जी को कमलनाथ जी के बारे में लेके आना था, कि जिनके नेतृत्व में 38 से ज्यादा विधायक इधर से उधर हो गए, राष्ट्रपति पे क्रॉस वोटिंग कर दी, जिनने जो छोड़ के चले गए, तो इनके प्रति अविश्वास लाना था, हमारी सरकार के खिलाफ लाए। स्वागत है, सरकार हर प्रस्ताव पर चर्चा करने को तैयार है, जो भी अध्यक्ष जी समय देंगे हम एक एक बात का जवाब उनका फ्लोर पर देंगे। ये निवेदन है कि हो अल्लाह करके जाए नहीं, पलायन नहीं करें, जवाब भी सुने अगर सवाल उठा। मिश्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत जैसे कांग्रेस के बड़े नेता दूसरों को गुमास्ता की दुकान का लाइसेंस भी नहीं लेने देंगे। बड़ा निंदनीय बयान है उनका, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अगर वो इंदिरा जी का और राजीव जी को बलिदान को बलिदान देश के लिए मानते, तो खड़गे जी जाके पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में देखो, जहाँ सैकड़ों आरएसएस के और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, भारतीयता के लिए और राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे दिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।